हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एवरीडे न्यू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। OMPL की तरफ से न्यू रिक्वायरमेंट 2020 का निकल चुका है, इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इसमें बात करें अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए निकाला गया पोस्ट अप्रेंटिस वैकेंसी के लिए। इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा पास रखे गया। इसका टोटल वैकेंसी क्या दिया गया है इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसका एज लिमिट क्या दिया गया है इस वीडियो में फुल डिटेल्स बताएंगे। इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट एंड एंड डेट के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। तो इसमें फुल नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, यानी इस यूट्यूब चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ऑफिशियल PDF पेज में आ चुके OMPL की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन निकाला गया है। ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। आपको यहाँ गवर्नमेंट इंडिया इंटरप्राइजेस से पेट्रोकेमिकल्स जो भी इंटरप्राइजेस है, आप देख सकते हैं डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन आपको 2/12/2020 से स्टार्ट हो गया है। इसका लास्ट डेट की बात करते हो सबमिशन आप 1 जनवरी 2021 को आपको लास्ट डेट दिया गया है। इसमें एंगेजमेंट ग्रेजुएशन टेक्निकल अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आपको वैकेंसी निकाला गया है। तो इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आपको देख सकते हैं क्या क्या इसमें डिसिप्लिन सब्जेक्ट दिया गया है। केमिकल में 8 पोस्ट दिया गया है, क्वालिफिकेशन डिग्री रहना चाहिए टेक्निकल में। उसके बाद स्टाइफेंड आपको 10,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ सेकेंड में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 पोस्ट दिया गया है। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपको सेम, स्टाइफेंड भी आपको सेम दिया गया है। उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपको 2 पोस्ट दिया जा रहा है। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपको सेम दिया गया है, स्टाइपेंड भी आपको सेम मिलेगा। उसके बाद मैकेनिकल में आपको 4 पोस्ट दिया गया है, इसमें भी आपको सेम क्वालिफिकेशन एंड स्टाइपेंड आपको सेम मिलेगा। उस तरह से टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपको केमिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल में आपको 1 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 पोस्ट, मैकेनिकल में आपको 4 पोस्ट दिया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द डिप्लोमा रहना चाहिए। इसमें आपको स्टाइपेंड आपको 8,000 पर मंथ दिया जाएगा। उस तरह टेबल टू रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए जो भी दिया गया है, ग्रेजुएशन अप्रेंटिस के लिए आपको यहाँ टोटल BBTech केमिकल के लिए आपको 8 पोस्ट दिया गया है। इसमें SC 1, ST 1, OBC 2, UR 4 दिया गया है। BBTech जो भी दिया गया है उसके लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 3, और इसमें OBC UR दिया गया है, UR में 2, OBC में 1 दिया गया है। उसके बाद BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसमें 2 पोस्ट दिया गया है, इसमें OBC 1, UR 1 दिया गया है। उस तरह से मैकेनिकल में भी आपको टोटल 4 दिया जा रहा है, 4 दिया जा रहा है, SC में 1 ही, ST में आपको 0, OBC 1, UR में 2 दिया गया है। उस तरह टेक्नीशियन के लिए आपको यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा रहना चाहिए। डिप्लोमा केमिकल में आपको 1 पोस्ट दिया जा रहा है, UR कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। उसके साथ आपको डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको टोटल 3 पोस्ट दिया जा रहा है, इसमें ST में 1, OBC 1, UR 1 दिया गया है। उस तरह डिप्लोमा मैकेनिकल में आपको 4 पोस्ट दिया जा रहा है। इसमें बात करते हो SC में 1, ST में आपको कोई भी पोस्ट दिया गया नहीं है। OBC कैंडिडेट के लिए 1, UR कैंडिडेट के लिए 2 रखा गया। तो इस तरह से जो भी रिजर्वेशन था कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड कर दिया गया था। उसके बाद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो था आपको क्वालिफाई रहना चाहिए, जिसका मुताबिक आपको जो ट्रेड मांगा गया है उस ट्रेड का आपको क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ आपको यहाँ देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट, आपको बेस्ड ऑन मार्क बेसिस आपको सिलेक्शन किया जाएगा, जैसे कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा के मार्क बेसिस। उस तरह से टॉप कैंडिडेट लिस्टेड SC ST OBC UR ऑर्डर द मेरिट जारी किया जाएगा। उसके बाद ही आपको अप्लाई किया जाएगा, कोई भी आपको एग्ज़ाम देने का ज़रूरी नहीं है इसमें। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो भी दिया गया है आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हैं। अदर टर्म एंड कंडीशन भी आपको यहाँ मिल जाता है। उस तरह हाउ टू अप्लाई कैसे करें, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया गया है। इसमें आपको जाना है www.ompl.com
को डॉट इन पे जाके आपको इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस पे क्लिक करना है। उसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दे दिए गए। वेबसाइट की बात करते हो देख सकते हैं www.ompl.co.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। उसी तरह से आप देख सकते हैं इसमें आपको जो भी फोटोग्राफी मांगा गया है, फ़ोटो NPWD कास्ट सर्टिफिकेट, फ़ोटो सिग्नेचर आपको मांगा गया है। उसके बाद फ़ोटो आपको रिसेंट 3 मंथ के अंदर रहना चाहिए, एंड बिटवीन 20 KB to 100 KB फ़ोटो एंड सिग्नेचर रहना चाहिए। उसी तरह से फुल डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ। आपको जो भी शेड्यूल दिया गया है आपको ऑनलाइन का हो गया या तो सबमिशन के बारे में शेड्यूल देख सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन स्टार्ट आपको 12/12/2020 से स्टार्ट हो गया है। इसका लास्ट डेट 1 जनवरी 2021 को आपको लास्ट डेट दिया जा रहा है। उसी तरह से पूरा फुल डिटेल्स जो भी आया था OMPL की तरफ से फुल नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में बता दिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड इस यूट्यूब चैनल पर जो अभी तक नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।